हेलो दोस्तों, अभी जो वीडियो आप लोगों ने देखा और बहुत से लोग YouTube में अपना वीडियो डाल के रखे हैं कि वाइट लेबल क्या है, तो वाइट लेबल के बारे में सही से आपको जानकारी नहीं मिल पा रही है। वाइट लेबल वो चीज़ है जैसे कि एक एडमिन सॉफ्टवेयर है या एडमिन पोर्टल है। तो वाइट लेबल मतलब होता है कि बैकग्राउंड में कोई और होता है, यानी पीछे जो कंपनी है वो काम कर रही है, लेकिन आपको दिख क्या रहा है कि एक्स वाई जेड कंपनी वर्क कर रही है, बट उसके पीछे ABCD कंपनी जो है लगी हुई है, जो काम कर रही है, मेन कंपनी जो है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमको वाइट लेबल में अपने प्रोजेक्ट को अपने cPanel पे रखना है। बहुत सारी कंपनियां कहती हैं ठीक है, हम आपके वाइट लेबल को आपके cPanel में रख देंगे, बट ऐसा होता नहीं है। आप एक चीज़ सोचो कि जिस प्रोजेक्ट का डेटाबेस, यानी कि उस डेटाबेस को एक ही जगह पे मैनेज किया जा रहा हो, उसको दो जगह कैसे हम दो पार्ट में कर सकते हैं, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। यानी कि प्रोजेक्ट को हम अलग आपका सब डोमेन बनाते हैं और उस प्रोजेक्ट को उस सब डोमेन में हम लोग रखते हैं, और जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस एक ही होता है जहां पे सारे रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं। प्रोजेक्ट में हम डिज़ाइन बदल सकते हैं, जैसे कि हमारी वेबसाइट किसी और तरीके से दिख रही है और आपकी वेबसाइट जो है किसी और तरीके से दिखेगी, आपके कंटेंट किसी और तरीके से हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसको बदला जा सकता है, लेकिन हम पूरे डेटाबेस को बदल नहीं सकते, ठीक है। तो और बहुत सारी कंपनियां ये भी बोलती हैं कि ठीक है, हम आपको प्रोजेक्ट आपको हैंडओवर कर देंगे, बट वाइट लेबल में कभी आपको प्रोजेक्ट कोई हैंडओवर कर ही नहीं सकता। इसका मेन रीज़न है कि अगर बाय द वे आपने एक गोडैडी या किसी भी सर्वर पे अपना एक वेब डोमेन परचेज किया, आपने डोमेन दे दिया, तो डोमेन में नेम सर्वर कंपनी अपना सेट कर देगी। नेम सर्वर अगर अपना सेट करके रखी हुई है कंपनी, तो होता क्या है कि वो आपके डोमेन पे हमारा प्रोजेक्ट चलने लगता है। हमारा प्रोजेक्ट जब आपके डोमेन पे चलने लगता है, तो आपको लगता है कि प्रोजेक्ट हमारे जो गोडैडी अकाउंट है उससे रिले हो रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। होता नहीं है, क्यों नहीं है? इसका रीज़न है कि आप समझते हो कि आपका गोडैडी पे अकाउंट है और उसने क्या किया हुआ है, एक cPanel आपके अकाउंट में क्रिएट करके दे दी। आप cPanel को ओपन कर रहे हो तो उसके अंदर कुछ नहीं होता है, क्या होता है, एम्प्टी फाइल होती है। अब वो फाइल अगर नहीं है वहाँ पे, तो आप ये पता कर लेते हो कि हाँ ये फाइल है ही नहीं यहाँ पे, अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है तो। और अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप वहाँ पे ये चीज़ नहीं देख पाते हो कि आपको जो cPanel दिया गया उसके अंदर फाइल है भी या नहीं है। और अगर मान लीजिए कि आप ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, आप ज़्यादा सोच रहे हैं, और कोई कह रहा है कि नहीं जो है हमको cPanel चाहिए ही चाहिए और उसमें फाइल भी होनी चाहिए, आपकी फाइल जो है एम्प्टी है जो मैं ओपन कर रहा हूँ, तो सामने वाला बंदा कुछ फाइल को आपके cPanel में डाल देता है जो कोई काम की नहीं होती है, उसको यूज करते ही नहीं है। आपको लगता है कि हमारी फाइल यूज हो रही है, और आप जब तक सामने वाली कंपनी से काम करते हो तो आपको लगता है कि हाँ हमारा काम हो रहा है, बट जिस दिन आप काम को बंद करते हो, उस दिन आप किसी और डेवलपर को देते हो अपना cPanel कि भैया मेरा ये प्रोजेक्ट रन हो रहा था और इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिए, तो वो संभव ही नहीं है कोई दूसरा डेवलपर देख पाए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट उसके अंदर नहीं होता है। अब हम बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रोजेक्ट आपके डोमेन पे डाल देते हैं और कुछ लोग जो है वो नहीं डालते हैं, तो डालते कौन सा प्रोजेक्ट है, जैसे जो प्रोजेक्ट बहुत पुराना हो गया है, ठीक है। अगर कोई प्रोजेक्ट पुराना हो गया है और पुराने तरीके से बना हुआ है, तो उसको हम आपके सब डोमेन बना करके आपके पैनल पे डाल देंगे। लेकिन अगर हम आपके पैनल पे डालते हैं, तो वहाँ भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि जिस समय आप उसको यूज करोगे, यानी कि किसी और को दोगे कि इसमें कुछ चेंजेस कर दो, तो वहाँ पे भी चेंजेस नहीं हो सकते। इसका कारण ये है कि आपके प्रोजेक्ट को आपको दिया गया है, लेकिन उसका डेटाबेस आपके पास नहीं है, ठीक है, तो भी आपका संभव नहीं है। तो ये हो गया वाइट लेबल। हमने एक वीडियो देखा था जिसमें बताया गया था कि किसी कंपनी से उसने वाइट लेबल खरीदा और उसने बोला था कि cPanel दे देंगे, और cPanel उसको नहीं मिला, और उसने एक वीडियो बनाया कि cPanel जो है हमको नहीं मिला है और यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी कोई बात ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि कंपनी कोई वहाँ पे cPanel दे ही नहीं सकती उसके लिए। तो
तो दूसरे की बात है ये, लेकिन मैं अपनी बात बताऊंगा कि अगर आप हमसे भी वाइट लेवल लोगे तो हम आपको अपने प्रोजेक्ट का एक कॉपी करके देते हैं, जो आपको लगता है कि आपका प्रोजेक्ट चल रहा है बट उसके पीछे हमारा प्रोजेक्ट होता है। बैलेंस परचेज आप किससे करते हो? हमसे करते हो। और जो है सर्विस किससे लेते हो? आप हमसे लेते हो। केवल डिज़ाइन आपकी होती है, ब्रांड आपका होता है। और लोग क्या समझते हैं कि एक्स वाई जेड कंपनी से हम काम कर रहे हैं, बट रियल में ए बी सी डी कंपनी से आप काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वाइट लेबल। ओके, थैंक यू।